हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईएएस के सिलेबस की। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास करना होगा। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के सिलेबस की। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही सिलेबस के पीडीएफ को आप jobsro.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही जो लोग घर बैठे ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी द्वारा एक नया ऑफर लाया गया है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें अगर आप एक साल का प्लान लेते हैं तो आपका प्लान जो है अगले 7 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 2021 का प्लान लेते हैं तो आपका ये प्लान जुलाई 2022 तक के लिए वैलिड होगा। तो जो लोग घर बैठे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये बैच जो है 2021, 22 और 23 की तैयारी करने वालों के लिए है। अनअकैडमी द्वारा 1 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी। इसके अलावा एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। तो जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर बैच ज्वाइन करने के अलावा आप 2 ईयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप केवल एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप केवल एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हैं। इसमें पूरी एनसीईआरटी सिविल सर्विस एग्जाम्स को ध्यान में रखकर कवर कराई जाएगी। लाइव क्लास होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने ये प्राइसिंग टेबल खुलकर आ जाएगी। आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, आप यहां पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA, जिससे आपको लगभग 7,000 से लेके 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को मेंस का एग्जाम देना होगा, जो कि रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर आपके कंपलसरी होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर आपका 200 नंबर का होगा। दोनों क्वेश्चन पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला पेपर आपका जर्नल स्टडीज 1 का होगा और दूसरा पेपर आपका जर्नल स्टडीज 2 का होगा। सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा, उसमें कम से कम आपको 33% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे। पेपर A होगा, जिसमें आपको कोई इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, जो कि 300 नंबर का पेपर होगा। पेपर B आपका जो है इंग्लिश का होगा, जो कि 300 नंबर का होगा। ये पेपर आपके जो है क्वालिफाइंग होंगे, इनको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं जो पेपर आपकी मेरिट में जोड़े जाएंगे, वो है पहला पेपर 1, जो कि ASA का पेपर होगा। ये पेपर आपका 250 नंबर का होगा। सेकेंड पेपर आपका जर्नल स्टडीज 1 का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा। थर्ड पेपर आपका जर्नल स्टडीज 2 का होगा, ये भी 250 नंबर का होगा। फोर्थ पेपर आपका जर्नल स्टडीज 3 का होगा। फिफ्थ पेपर आपका जर्नल स्टडीज 4 का होगा। 6th और 7th पेपर आपका जो है ऑप्शनल होगा। इसमें आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा, जिसके 2 ऑप्शनल पेपर होंगे। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर आपको केवल एक सब्जेक्ट लेना होगा, जिसके 2 पेपर होंगे। टोटल आपका रिटन टेस्ट जो है 1750 नंबर का होगा। इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट आपका जो है 275 नंबर का होगा। टोटल मेरिट आपकी 2025 नंबर से बनाई जाएगी। मेंस के जो 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, पेपर A और पेपर B, इसमें आपसे 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज पेपर में अगर बात करें कौन कौन से लैंग्वेज ले सकते हैं और उसका पेपर का मीडियम कौन सा होगा, तो इसमें आप असमी लैंग्वेज ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज, या फिर कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। वहीं पर अगर ऑप्शनल की बात करें तो इसमें आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री तथा वेटनरी साइंस ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स और अकाउंटेंसी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं,
इनमें आपको केवल एक सब्जेक्ट लेना होगा, उसके दो पेपर होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी या फिर हिस्ट्री ले सकते हैं। आप लॉ सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या फिर आप मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइकोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स या फिर जूलॉजी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लिटरेचर ले सकते हैं। लिटरेचर में आप असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। और ये पेपर जो है आपके कन्वेंशनल टाइप के होंगे, ऐसे टाइप के होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस की। प्रीलिम्स के पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपसे करेंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जाएगी, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे संविधान के बारे में पूछा जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन तथा डेमोग्राफिक और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जर्नल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है, और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सेकेंड पेपर की, सी सेट की। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जर्नल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक न्यूमेरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे नंबर तथा उनके रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10th के लेवल के होंगे। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपसे चार्ट, ग्राफ, टेबल तथा डेटा सफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 10th के लेवल के होंगे, और इस पेपर में आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% नंबर लाना जरूरी है, और सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो वहीं पर इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन तथा प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकैबुलरी तथा शॉर्ट एसे, इसके अलावा ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में। इन क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड जो है 10th लेवल का होगा, और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके क्वालिफाइंग होंगे। अब बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, एसे की। इसमें आपको एक एसे लिखना होगा। सेकंड पेपर की बात करें जो जर्नल स्टडीज 1 का है, इसमें आपसे इंडियन हेरिटेज और कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा तथा सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा। और थर्ड पेपर जो कि जर्नल स्टडीज 2nd का है, इसमें आपसे गवर्नेंस, संविधान, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ पेपर आपका जर्नल स्टडीज 3rd का है, जिसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी तथा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ पेपर जो कि जर्नल स्टडीज 4th का है, इसमें आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके 2 पेपर जो है ऑप्शनल होंगे, इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। ऑप्शनल का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।